हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्वाग में स्वागत करता हूँ। आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ, अगर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है और आप चाहते हो आपकी जो यूट्यूब चैनल की जो अबाउट सेक्शन है, आप वहाँ पे अपने किसी दूसरे सोशल नेटवर्क की लिंक को ऐड करके रखना चाहते हो ताकि आपकी कोई भी व्यूअर अबाउट सेक्शन में जाए और वहाँ पे आप अपने किसी दूसरे सोशल नेटवर्क की लिंक को ऐड करके रखते हो, तो आपकी कोई व्यूअर किसी दूसरे सोशल नेटवर्क के ऊपर आपको फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो लिंक होगा उसके ऊपर क्लिक करके सीधे आपकी उस सोशल नेटवर्क के ऊपर पहुंच जाएगा। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो करना है, आपको आपके YouTube चैनल के ऊपर आ जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं मेरा YouTube चैनल के ऊपर आ चुका हूँ। अगर आप अपने YouTube चैनल को मोबाइल से ऑपरेट करते हो तो आपको सबसे पहले जो करना है, आपको आपके मोबाइल के अंदर जो क्रोम ब्राउजर है उसे ओपन करना है। उसे ओपन करने के बाद आपको उसके सेटिंग में जाके आपको डेस्कटॉप मोड ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके पास भी इस तरह से स्क्रीन हो जाएगा और अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा आपको उन स्टेप को बस फॉलो करते जाना है। तो सबसे पहले आपको जो करना है, आपको आपके यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपके चैनल के लोगो है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन में मिल जाता है योर चैनल, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक पेज खुल जाएगा, आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कस्टमाइज चैनल, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से पेज खुल जाएगा, आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अबाउट बोल के एक ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करोगे तो आपकी यूट्यूब चैनल की जो अबाउट सेक्शन है वो आपके पास ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है उसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। आप बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने अबाउट सेक्शन में आके किसी दूसरा सोशल नेटवर्क के लिंक को ऐड करके रख सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाए लिंक्स का, इसके नीचे एक प्लस का लोगो दिखाई दे रहा है आपको और साइड में लिखा हुआ लिंक, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक पेज खुल जाएगा, किसी अलग सोशल नेटवर्क की मैक्सिमम 5 लिंक्स को यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो। तो यहाँ पे अलग सोशल नेटवर्क की लिंक्स को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक पेज खुल जाएगा, आपको यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे उस सोशल नेटवर्क के नाम को ऐड करना है जिस सोशल नेटवर्क के लिंक को आप यहाँ पे लगाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे जैसे फेसबुक के लिंक को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो लिंक टाइटल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे लिख लेना है फेसबुक। फेसबुक लिखने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूआरएल, आपकी फेसबुक की जो लिंक है आपको उसे कॉपी करके लिख करना है। मैं पहले से मेरे फेसबुक चैनल की जो लिंक है उसे मैंने कॉपी करके रखा है तो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे नीचे की तरफ डाउन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो फेसबुक है यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसी तरह से आप दूसरे किसी सोशल नेटवर्क को भी ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे जो पेंसिल का लोगो दिखाई दे रहा है आपको दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अभी अभी फेसबुक का जो लिंक है यहाँ पे ऐड करके रखा है। तो यहाँ पे आप किसी दूसरे सोशल नेटवर्क के लिंक को ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे जो प्लस का लोगो दिखाई दे रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे उसी तरह से जो दूसरा सोशल नेटवर्क के लिंक को ऐड करना चाहते हो उसका नाम को यहाँ पे लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम की लिंक को भी ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया इंस्टाग्राम। उसके बाद आपकी इंस्टाग्राम की जो लिंक है आपको यहाँ पे उसे ऐड करना है, तो उसे भी मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा है, उसे भी यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और इसी तरह से आप किसी दूसरे सोशल नेटवर्क को भी ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्लस का लोगो दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप इसके ऊपर क्लिक करते जाओगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से ऐड होते जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे मैक्सिमम 5 लिंक को ऐड कर सकते हो। अगर आप किसी लिंक को डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो करना है, आपको यहाँ पे जो डिलीट का लोगो दिखाई दे रहा है आप इसके ऊपर क्लिक करते जाओगे तो आपकी सारे लिंक यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और आप अपने चैनल के लिंक को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे जो डाउन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है यहाँ पे आ चुका है। अगर से मेरा कोई भी व्यूअर मेरे अबाउट सेक्शन में आता है और उसे ये दोनों लिंक दिखाई देगा और वो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके सीधे मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज का वीडियो पे बस इतना ही। अगर आप यूट्यूब रिलेटेड नए नए टिप्स एंड ट्रिक या फिर आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो को किस तरह से एडिट कर सकते हो ये सब जानना चाहते हो तो आप टेक्निकल स्वाग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद पास में आई हुई घंटी को दबा के ऑल बटन को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा भी आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बोल सकते हो। मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द आपकी टॉपिक के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाने का। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलती है आगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।